मतलब आप लोगों के हो सकता है कि दादा बड़े हों या फिर फादर बड़े हों, और हम सब लोग यहीं से बड़े हुए हैं। मतलब इतनी बिल्डिंग नहीं थी, मगर ये सामने वाली बिल्डिंग तो सेम ही थी। मैं पढ़ा हुआ, मेरे भाई तो बहुत ज़्यादा पढ़ा, कुछ पढ़ा हूँ मैं तो कुछ, बाद में चला के स्कूल एक सरकारी स्कूल वाला वहाँ से पढ़ा हूँ, फिर थोड़ा फिल्मी से पढ़ा हूँ, बाकी जैसे ग्रेजुएशन हो गया जो BA BSc BCom होता है वो दिल्ली से किया है। और अब मैं रहता हूँ हांगकॉन्ग में। हांगकॉन्ग जो है एक मुल्क है, देश है, जैसे इंडिया है, नेपाल है, अमेरिका है, ऐसे ही हांगकॉन्ग है, मगर हांगकॉन्ग जो है उस पर बना हुआ है। पानी है, और पानी के बीच में क्या होता है कि आइलैंड होते हैं। आइलैंड तो हम कैसे कह सकते हैं, मतलब बीच में समुद्र के बीच में कोई पत्थर है, मगर पत्थर जो है काफ़ी बड़ा होता है, तो जब पत्थर बड़ा हो जाता है तो उसे कहते हैं आइलैंड। तो उस पत्थर ज़्यादा बड़ा हो गया, उसे आइलैंड बोल दिया, उस पत्थर के ऊपर जो लोग बस गए उस जगह पे हांगकॉन्ग है। तो उस पत्थर के ऊपर, पत्थर मतलब बहुत बड़ा पत्थर है, मतलब इसके बराबर होगा, सब लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उस कंट्री को बना दिया हांगकॉन्ग, और उस जगह को बोलते हैं आइलैंड, मगर पूरा देश का नाम है हांगकॉन्ग। चाइना से बिल्कुल मिला हुआ है, ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से हम नेपाल जाते हैं कुछ लोग कहेंगे, ऐसे ही वहाँ से चाइना जा सकते हैं पास में, कि चाइना से इंडिया है, इंडिया से नेपाल है, पास में यही है। और इस तरीके की बहुत जगह हैं दुनिया में जो है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा जगहें हैं जो समुद्र के बीच बीच में रह रहे हैं लोग। जैसे कि अमेरिका काफ़ी बड़ा है, मगर लोग जो है उस समुद्र में ही हैं, मतलब उनके चारों तरफ समुद्र होगा, मतलब पानी, मतलब बस से नहीं जाया जा सकता, जहाज होंगे या वो होगा। ऐसे ही और भी जगहें हैं, एक और जगह है सिंगापुर, वो भी इसी में बनी हुई है, और जो हांगकॉन्ग में वहाँ मैं रहता हूँ वो भी इसी तरीके से बनी हुई है। वहाँ बहुत सारी बैंकें हैं, और लोग बहुत सारा चीनी खाना खाते हैं। चीनी खाना का मतलब तुम लोग भी खाते होगे, जैसे चाउमीन, चाउमीन जो है उन्हीं का है, मतलब वो लोग चाउमीन खाते हैं, तरह तरह के नूडल्स, नूडल्स को सेवैये कह सकते हो, नूडल्स को तो दूसरे तरीके से बनाते हैं, चाउमीन की तरह बनता है, तो उस तरीके से खाना उन लोगों का खाना, हम लोगों का खाना नहीं खाते हैं, वो लोग नॉर्मली वैसे ही खाते हैं। और एक और खाना है, ये बोलते हैं डिमसम, डिमसम मतलब मोमोस होता है, वो नाम उनका है डिमसम, मतलब मोमोस। तो क्या करते हैं, मोमोस जानते हो सब लोग, जी मोमोस, सर। हाँ, तो सेम मोमोस की तरह ही खाना होता है, मतलब वो उबाल, तेल में डालते हैं, तेल नहीं होता है, बस उबालते हैं और खाते हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जैसे कि मतलब 100 साल का जो योग व्यक्ति होगा, मतलब योग काफ़ी जवान दिखेगा, हमारे दादा हैं अगर 60 साल के तो वो पूरे दिखेंगे, वो वहाँ पर नहीं दिखेगा, वो जवान दिखेगा। इस तरीके का खाना है, और लोग आते जाते हैं जहाज़ों से, यानी हवाई जहाज से, मतलब जैसे मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे जहाज़ जाना है, वो भी बीच में समंदर है, पानी, दूसरी जगह एक बहुत आइलैंड है, आइलैंड मतलब पत्थर रखा हुआ है, वहाँ लोग रह रहे हैं, तो इस जगह से दूसरी जगह के लिए जहाज़ होते हैं, और काफ़ी जैसे कि यहाँ टुक टुक है और तुम्हारा मैजिक है, वहाँ पर जहाज़ होते हैं, तो एक जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह जहाज़ लिया, दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ शॉपिंग करी या है वो, तो बहुत सारी वहाँ पर बैंकें हैं, और बहुत ज़्यादा डेवलप, मतलब जगह की कमी है क्योंकि थोड़ा सा एरिया है, तो लोग क्या करते हैं, उन्होंने बिल्डिंगें बना दी हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा न्यूरिया में, न्यूरिया में तुमने देखा होगा घर जो है दुमंजे बन रहे हैं, दुमंजे पता है क्यों बनते हैं, दुमंजे बनते हैं जब जगह नहीं होती, तो आदमी चाहता है कि तुम ऊपर बना लो, वहाँ पर भी सामान रखो, या दूसरा लड़का रह लेगा या कोई रह लेगा, ऐसी वहाँ पर बहुत जगह कम है, तो वो क्या कहते हैं बिल्डिंगें बनाते हैं, जैसे कि 100 फ्लोर की बिल्डिंग, फ्लोर मतलब 100 दो मंजिले 2 मंजिले 3 मंजिले, तो मतलब रहना है तो उन बिल्डिंगों में ही रहना होगा ज़्यादातर। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, और कुछ पूछना है, लोग कैसे होते हैं, लोग फिल्मों यूट्यूब पे देखते ही होंगे, चाइनीज लोग होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं काफ़ी छोटे, मगर तेज, छोटे हैं मगर तेज, और कुछ लोग बड़े भी होते हैं, और वहाँ सब लोग रहते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम और हमारे ईसाई वो भी रहते हैं, और कल्चर मिक्सअप है, मतलब मस्जिद में मिलेगी तुम्हें, चर्च में मिलेगा, और एक दो तो मंदिर भी हैं, मतलब सब मिल बांट के रहते हैं। और सबसे ख़राब चीज़ क्या है, वहाँ पर कुछ खेती नहीं होती, तो जैसे जो जो मुझे खाना है आलू प्याज, तो वो यहाँ से पैक होगा, पॉलीथिन में जाएगा, जहाज के द्वारा वहाँ पहुँचेगा, फिर मैं खरीदूँगा उसे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आलू का रेट 20 रुपये है, तो यहाँ से जाएगा दिल्ली, दिल्ली से जाएगा बम्बई, बम्बई से जाएगा हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग में खरीदूंगा तो मैं उसे 400 रुपये में खरीदूंगा, जो कि मैं खरीदता हूँ,
तो भाई आलू वहाँ जाके 400 रुपये, क्योंकि वो लोग बनाते नहीं हैं। यहाँ से किराया भाड़ा, यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली गया, मुंबई गया, फिर हांगकॉन्ग गया, जो किराया लगा के लोग कुछ कमाते भी हैं, मतलब 20 रुपये की चीज़ 200 रुपये की या 300 रुपये की हो जाती है इसी वजह से। तो ना लोग वहाँ खेती करते हैं, कुछ कुछ भी नहीं होता, दूध और सब कुछ सब वहीं बाहर से आता है, अलग अलग देशों से। तो जो देशों से आता है उसे बोलते हैं हम इम्पोर्ट, तो वो लोग इम्पोर्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से इंडिया से भेज रहे हैं वहाँ पर, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो इस तरीके का हम लोग बाहर से आता है, खाते हैं, और ऐसे चल रही है उनकी उनकी लाइफ। और जीते बहुत हैं, मतलब 100 साल से ऊपर तो होती है उनकी एज, मतलब सब लोग 100, 200, 150 साल होती है, मतलब युवा रहते हैं, जवान, बीमारियाँ कम हैं। और वहाँ की अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, अच्छी चीज़ ये है कि सब कुछ सरकारी है, स्कूल सरकारी होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे फ्री में, हॉस्पिटल सरकारी होगा, सरकारी सरकारी मतलब बुखार आया सरकारी हॉस्पिटल में गए और खाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है या नहीं। मतलब हमें यहाँ रह रहे हैं, हमें सब कुछ फ्री में चाहिए, एजुकेशन, हॉस्पिटल, कुछ चीज़ें फिर फ्री में चाहिए जो कि वो दे रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा है, मगर जैसे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, हॉस्पिटल है कॉलोनी में मगर वो देख नहीं रहे, मगर वो चीज़ वहाँ पर सब लोग कर रहे हैं ईमानदारी। और अच्छी चीज़ क्या है, और अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई, जैसे बहुत सारे लोग झाड़ू लगाते हैं रोडों पे, मतलब नाली साफ करते हैं, उन्हें भी उतने ही पैसे मिलेंगे जितने कोई स्कूल में या कहीं पढ़ा रहा है। तो मतलब लोग समानता रखते हैं, जैसे बोलते हैं उसे इक्वालिटी, तो इक्वालिटी काफ़ी है, मतलब सब लोग बराबर रहेंगे, सब लोग एक साथ खाएंगे पिएंगे और सब लोगों को एक ही फैसिलिटी मिलेगी। तो ये तो हो गया हांगकॉन्ग का। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ IT में काम। IT का मतलब होता है कंप्यूटर, ये आप तो जान ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर में, तो पता ही होगा आप लोगों को, मैं रिवाइज करता हूँ। एक तो होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसे हम महसूस कर सकें, पता ही होगा, मतलब ये हार्डवेयर हो गया, हमने पकड़ लिया ये हार्डवेयर, मगर इसके अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हाँ, तो जो जो इसके अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो मैं उसमें काम करता हूँ, ज़्यादातर मुझे भी लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, कुछ लोग हैं हार्डवेयर वाले, मगर ज़्यादातर लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। और अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो है एनर्जी सेविंग। एनर्जी मतलब ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव की जाए। जैसे अभी घरों के जो मीटर लगे हुए हैं उसमें किसी का बिल आ रहा है 500, किसी का आ रहा है 600, और जो कंपनियाँ होती हैं उनके बिल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैसे कोई कारखाना है उसका बिल काफ़ी आएगा, कारखाने वालों जो इंडिया में है, तो उन्हें बहुत ज़रूरत है कि पैसे बचाएं और एनर्जी भी बचाएं। तो मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो क्या होगा, उससे लोगों का फ़ायदा होगा और खुद का भी फ़ायदा होगा। खुद का मतलब तुम्हारा खुद का बिल कम आएगा, किसी का 500 आ रहा है तो उसका 300 आएगा, आप कैसे करते हैं। तो हमारी कंपनी और मैं मतलब सेंसर बनाते हैं, सेंसर का हो गया, कैसे कर सकते हैं सेंसर, मतलब कुछ डिवाइस हो गई मोबाइल की तरह या कुछ भी, उसका आकार कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने ये मोबाइल उठाया, जैसे ही मैं उठाऊँगा इसमें रोशनी हो जाती है, तो इसके अंदर भी उन लोगों ने क्या कर रखा है, सेंसर कर रखा है। तो ऐसे करेंगे सेंसर है, तो ऐसी एनर्जी के हमने सेंसर बना रखे हैं। तो हमने क्या करते हैं, सेंसर हमने लगा दिए इस बोर्ड में, या फिर इनका बाहर जगहों में मेन बोर्ड में, मतलब घरों में भी हो रहा है, मेन स्विच आ रहा है, वहाँ पर सेंसर लगा दिए। अब सपोज यहाँ पर तीन बल्ब लगे हुए हैं, मतलब अभी तो एक ही दिख रहा है, तीन है। तो जैसे अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा तो एक ही बल्ब जलेगा। जैसे हम आएंगे, मैं आया तो हो सकता है कि दो जल जाए, फिर और बच्चे आए तीन जल जाए, फिर और बच्चे आए चार जल जाए, बच्चे बाहर गए तो सारे बुझ जाएंगे और एक ही जलेगा ऑटोमेटिक। तो वो क्या करता है, उसके अंदर सेंसर है, तो वो पहचान लेता है कि कितने लोग हैं, मतलब कितने बच्चे हैं। अगर 10 बच्चे हैं, हमने फिट कर दिया है प्रोग्राम मतलब अंदर से, कि अगर 10 बच्चे हैं उसके अंदर सेंसर मतलब होता है सेंस करता है, मतलब उसे समझने की सकता होती है, क्षमता होती है कि क्या क्या है। तो उसने सेंस किया कि अरे चार लोग आ गए, पांच लोग आ गए, तो बल्ब दूसरा दबा जला देना चाहिए, 10 से ऊपर आ गए तीसरा, और उससे ज़्यादा आ गए चौथा बल्ब जला देंगे। अब क्या होगा, जब कमरे में कोई नहीं होगा और चार बल्ब जल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा तो पैसे देना पड़ेंगे, और तो यूज़ पैसे भी देना पड़ेंगे और किसी ना किसी का फायदा घाटा होगा, क्योंकि कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो इस वजह से सेंसर क्या करता है कि वो बंद कर देता है ऑटोमेटिक, और जैसे कि मतलब अनयूज़ नहीं चलाते, मतलब
जब जरूरत होगी तभी जले, जब जरूरत ना हो तो ना जले, यही हमें करना चाहिए। मगर ये कि आदमी भूल जाता है, बाहर गया नहीं करता, अपने घरों में बाथरूम में उसकी लाइट जली रहती है, किसी के घर की कमरे की जली रहती है, तो उन सबको बंद ऑटोमेटिक बंद करने को मतलब सेंसर बोलते हैं, एनर्जी सेविंग। तो इस तरीके का मतलब हम लोग बना रहे हैं। और जैसे कि कभी आपके घरों में लोग कम हो रहे हैं तो अपना जैसे कि कोई फैमिली शादी में चले गई या कोई बिल भी चली गई, उन्हें याद आया कि बल्ब बल्ब जो छोड़ के आ गया घर पे जलता हुआ, तो वो क्या करेगा, वो बाहर जाएगा, मोबाइल उठाएगा और मोबाइल से बल्ब को बंद कर देगा, उसे घर जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाएगा और इन्वायरमेंट को भी बचाएगा, मतलब सेविंग एनर्जी को सेव करेगा। तो ये तो खाली एनर्जी का हो गया, और भी चीज़ें फ्रिज का हो गया और बहुत तरीके के सेंसर चल रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी तरीके के सेंसर यूज़ करते हैं, एसी का करते हैं और भी बहुत सारे डिवाइसेज हैं, मुझे लगता है हम देखने में भी तो बताना मुश्किल है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। हांगकांग में जो है ये चाइना से मिला हुआ है, लोग चाइनीज के लोग हैं, तो एक लैंग्वेज होती है चाइनीज, तो चाइनीज तो हो गई, क्या बोलते हैं चाइना वालों की लैंग्वेज है चाइनीज, मतलब तो चाइनीज के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं मैंडरिन, एक को बोलते हैं कैंटोनीज। तो मैं जाकर किताबों में देखूंगी तो जो मैं दो चाइनीज दो लैंग्वेज में डिवाइडेड है, मैंडरिन कैंटोनीज। तो मैंडरिन वाले लोग जो चाइना वाले लोग बोलते हैं और कैंटोनीज बोलते हैं ये हांगकांग वाले लोग। तो हांगकांग की लैंग्वेज कैंटोनीज और उसकी लैंग्वेज मैंडरिन, पर लिखने में सेम होगी, सेम करेक्टर होंगे मगर बोलने में अलग अलग होगा। ये उसी तरीके से जैसे कि हम शहर और देहात में जाएंगे, न्यू दिल्ली की लैंग्वेज अलग है और दिल्ली की या पीलीभीत बरेली की अलग है, मगर लिखने में एक है, बोलने में अलग अलग है। तो उन लोगों ने डिवाइड कर रखा है और ये मतलब पहले एक ही थी, फिर बाद में किसी ने चेंज करने लगे, चेंज की जाती थी। और ऑफिशियल खाना उनका होता है डिमसम, डिमसम मतलब मोमोज की तरह। अब तो बहुत सारी वीडियो भी आ रही है यूट्यूब में, देखा था कि लोग कह रहे हैं कैंटोनीज़ चाइनीज़